श्राद्ध संबंधी विशेष जानकारी, जैसे शकरण महालय पक्ष में अपने पिता की तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है, तो उस तिथि में यदि कोई श्राद्ध न कर पावे, किसी के यहाँ आशौच लग जाए या कोई अन्य व्यवधान हो जाए, तो वो अपने पिता का श्राद्ध कब कर सकता है? वो पितर पक्ष भी पूरा निकल जाए तो क्या आगे उसका श्राद्ध हो सकता है? इसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है, इसको देखिए। देखिए, धर्म सिंधु में इसको बतलाया गया है कि मृत तिथौ श्राद्धा संभवे निषिद्ध तिथ्यादि दिनम वर्जयित्वा महालयः कुर्यात्। मृत तिथौ, पिता आदि की मृत्यु तिथि पर यदि श्राद्ध असंभव है, श्राद्ध संभव न हो पाए, तो जो श्राद्ध में निषिद्ध तिथियां बताई गई हैं उनको छोड़ करके श्राद्ध किया जा सकता है। आगे तत्रापि, उसमें भी द्वादशी अमावस्या अष्टमी भरणी व्यतिपातेषु मृत तिथि अभावेपि शकरण महालये कोपि तिथ्यादि निषेधो नास्ति। यदि किसी व्यक्ति का जो है पिता आदि की तिथि में श्राद्ध करना छूट गया है, तो वह आगे अमावस्या में, द्वादशी में, भरणी नक्षत्र में, व्यतिपात में जो है अपने पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध, वो जो है महालय श्राद्ध कर सकता है। ये जो है निर्णय है। अब कह रहे हैं कि यदि वो भी छूट जाए तो अमावस्या तक आशौच लगा हुआ है, जनना शौच या मरना शौच, या किसी का जो है उधर ही श्राद्ध था, तो अब कैसे करेगा, पूरा पक्ष निकल गया। तो कहते हैं कि अमावस्या पर्यंत और तिथा संभवे अमावस्या भी निकल गई, इसके बाद अमावस्या तक भी यदि वो श्राद्ध नहीं कर पाए, तो कहते हैं आश्विन शुक्ल पंचमी पर्यंतम यस्मिन कस्मिन चित तिथौ महालया कुर्यात्। यदि पितृपक्ष पूरा निकल गया, अमावस्या निकल गई, तो इसके बाद आश्विन शुक्ल पंचमी तक प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी और पंचमी यस्मिन कस्मिन तिथौ, किसी भी तिथि में महालय कुर्यात्, महालय श्राद्ध को कर सकते हैं। अब देखिए तत्रा संभवे, बोले तत्रा संभव, वो भी निकल गया, वो भी समय यदि छूट गया, मात्री जो है नवरात्रि में पंचमी तक भी वो श्राद्ध नहीं कर पाया, तब तो कहते हैं कि यावद वृश्चिक दर्शनम व्यतिपात द्वादशी आदि पर्वणि कार्य, जब तक वृश्चिक राशि का सूर्य नहीं हो जा, प्राय जो है कनागत जो है कन्यागत सूर्य में होता है ये जो है, यद्यपि इसमें कन्यागत गौण है, मुख्य तो आश्विन कृष्ण पक्ष है, भले ही कन्यागत आगे पीछे हो जाए तब भी वो श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष में ही होगा, क्योंकि पितृ दिवसत्वात् ये पितरों का दिन है। तो इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि जब वृश्चिक राशि के सूर्य न हो जाए, कन्या तुला का पूरा रखा हुआ एक महीना वृश्चिक राशि, कहते हैं वृश्चिक दर्शनम, वृश्चिक राशि जब तक दर्शन वृश्चिक राशि पर सूर्य न पहुंच जाए तब तक व्यतिपात या द्वादशी तिथि में, किसी भी व्यतिपात या द्वादशी तिथि में या पर्वणि किसी अमावस्या आदि पर्व में वो श्राद्ध किया जा सकता है। ये जो है निर्णय है। तो यानी कि आश्विन निकल करके कार्तिक में भी अगर किसी का आश्विन छूट गया, तो वो जो है आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्र में पंचमी तक किसी भी तिथि में कर ले, अथवा उसके आगे कार्तिक पर्यंत ये जो है श्राद्ध किया जा सकता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये श्राद्ध मृत्यु तिथि में करना चाहिए या
भाई कि वो जो है दाह की तिथि में करना चाहिए। हमारे पास कई प्रश्न आते हैं कि भाई उनका जो है शरीर तो इस तिथि में पूरा हुआ था और जब तक ये जो होने लगा तब तक दूसरी तिथि लग गई, तो या दूसरे दिन दाह किया, एक दिन मृत्यु हो गई, रात के सुबह जो है दाह करते हैं, तो इसमें भेद हो जाता। मृत्यु तिथि किसी की अलग होती है और दाह की तिथि अलग होती है, तो ये दोनों के लिए निर्णय है। आशौच कब से माना जाए कि भाई मृत्यु तो कल हो गई थी, दाह आज कर रहे हैं, तो आज से आशौच लगेगा कि मृत्यु के बाद ही लग जाता है, अथवा वो श्राद्ध में कौन सी तिथि लेनी चाहिए, इन दोनों का एक ही निर्णय है। तो देखिए ये जो है महर्षि शातातप का वचन है कि मरणादेव कर्तव्यम संयोगो यस्य नाग्नेना और दाहा दूर्दम अशौचम स्यात् यस्य वैतानिको विधिः। इसमें बताया गया है कि जो लोग अग्निहोत्री हैं उनकी व्यवस्था अलग है और जो अग्निहोत्री नहीं है उनकी व्यवस्था अलग है। सामान्य रूप से कोई नित्य प्रति या कहीं भी कुछ अग्नि में हवन करने लगे उनको अग्निहोत्री नहीं कहते हैं, वे अग्निहोत्री नहीं है। आव सत्याधानं तु दार काले, वो जो है गृहस्थ ब्राह्मण, बहुत से बाबा जियों को हमने देखा है कि वो सब हवन करने लगे, ऐसे करने लगे, वैसे करने लगे, कभी कुछ, वो सब ऐसे ही है, अपना जो अलग बात है। मुख्य रूप से तो गृहस्थ ब्राह्मण ही श्रोत्रिय अग्निहोत्री और स्मार्त अग्निहोत्री हो सकता है। अर्धाधानी और सर्वाधानी, पांच तरीके की अग्नियां होती हैं, उन अग्नियों का जो आधान करता है तो वो जो है सर्वाधानी कहलाते हैं। आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, सभ्याग्नि और आवसत्याग्नि, इन पांच अग्नियों को धारण करने वाला, पांच अग्नियों के पांच कुंड अलग अलग बनते हैं, सब में अलग अलग तरीके का हवन होता है विधि पूर्वक, इसको कहते हैं सर्वाधानी। सर्वाधानी वर्तमान पृथ्वी पर अभी बहुत ही कम है, ये समझ लीजिए बीज मात्र में चल रहे हैं। और एक होते हैं अर्धाधानी, वो विवाह होने के बाद वैवाहिक अग्नि ही जो है आकर के वो आवसत्याग्नि बनती है, उसको अपने घर में स्थापित किया जाता है, अथवा वो जो है दायाद्य काले के शाम, जो है जब पिता की संपत्ति का पुत्र आदि जब पिता के बाद विभाजन करें तो अपनी अपनी अग्नि को अलग रखना चाहिए, तब वो इसकी स्थापना होती है, तो वो कहलाती है आवसत्य और उसी के साथ होती है सभ्याग्नि। तो इन अग्नियों की, दो या पांच अग्नियों की जो स्थापना करके उनकी विधि पूर्वक हवन आदि कृत्य करते हैं, उसी अग्नि से फिर उनका दाह आदि कृत्य होता है। ऐसे लोगों का आशौच तो लिखा हुआ है उसी समय लगेगा जब उनका दाह होगा, तब तक घर में कोई भी आशौच सूतक कोई भी किसी भी तरीके का अशुद्धि का कार्य नहीं है, और उनकी श्राद्ध की तिथि भी वही ली जाएगी जो उनके दाह की, क्योंकि उनकी विशेष अग्नि से जो है संबंध रहता है, इसलिए अग्नि कार्य होने पर ही वो तिथि ली जाती है। तो ऐसे लोग तो गिने चुने हैं, लिखे हैं कि मरणादेव कर्तव्यम संयोग यस्य नाग्नेना, जिनका संयोग अग्नि से नहीं है अर्थात जो अनग्निक हैं, अग्निहोत्री हैं, अनग्निहोत्री हैं, उनका मरणादेव कर्तव्यम, मृत्यु से ही तुरंत मृत्यु तिथि लेनी चाहिए, जैसी मृत्यु हुई वैसा ही आशौच कुल पर लग जाता है, अशुद्धि लग जाती है, और वो जिस समय मृत्यु हुई है वही मृत्यु तिथि, उस समय जो तिथि है उसी तिथि में सभी श्राद्ध होंगे, ये निर्णय है। और दाहा दूर्धम आशौचम अशौचम स्यात् यस्य वैतानिको विधि, जो वैतानिक हैं अग्निहोत्री हैं उनका आशौच दाह के बाद लगता है। तो ध्यान देना, हम सभी लोग जितने हैं वो अनग्निक हैं, अनग्निहोत्री हैं, अवैतानिक हैं, इसलिए इनका आशौच मरण से ही लगेगा और मरण काल की तिथि में ही सभी श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। हर हर महादेव।